नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के करियर गाइडलाइन के लास्ट वीडियो में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस किस फील्ड में सर्टिफिकेशन कोर्सेज और पीजी लेवल डिप्लोमास वगैरह किए जा सकते हैं, कितने तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं और किस किस फील्ड से हम कर सकते हैं, इस बारे में जाना था। आइए अब देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का या एक पेनिट्रेशन टेस्टर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक एथिकल हैकर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या करना होता है एक एथिकल हैकर को, इस बारे में एक नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एथिकल हैकर को एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर होना चाहिए। एक एथिकल हैकर को अपने कंप्यूटर नेटवर्क, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते बनना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए रिस्क असेसमेंट को एनालाइज करने की और सारे जितने भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड की गई, जितने भी लूपहोल्स फाइंड किए गए, जिस जिस एरियाज में उसे कंट्रोल करने का, उसे कवर करने का एबिलिटी होनी चाहिए। उस द एथिकल हैकर is also many times involved with other areas of the internet security of the companies. कुछ और एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं रिस्क असेसमेंट या फिर वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने के अलावा इंक्रिप्शन बनना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फायरवॉल्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर इवन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन था जो एक एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर को करना होता है। क्या एक्चुअली क्या क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है एक एथिकल हैकर की, वो देख लेते हैं। क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट या बहुत सारे अटैम्प्ट में भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो एक मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है एक अटैकर का। नेटवर्किंग, इवन हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, नए नए तरीके के अटैक होते हैं, जीरो डे अटैक्स होते हैं, तो जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने का एक स्किल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम को लेकर, एक आई फॉर डिटेल्स, क्विक थिंकिंग, कंप्यूटर का बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो एक अटैकर को रोकने के लिए एक एथिकल हैकर में होनी चाहिए। जहाँ तक जॉब्स की बात है तो दोनों सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की हम जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मिलिट्रीज हैं, डिफेंस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, लॉ है, सीबीआई है, एफबीआई है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं। ये वो सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एक एथिकल हैकर की आवश्यकता होती है, जिन फील्ड्स में एथिकल हैकर काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो आईटी फर्म्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग है, एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, रिटेल नेटवर्क्स हैं। ये वो सारी प्राइवेट ऑप्शंस हैं जहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ इनके डेटा को सिक्योर करके रखने के लिए, इनके नेटवर्क को सिक्योर करके रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक एथिकल हैकर की आवश्यकता होती है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल, अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स की हुए एथिकल हैकर हैं तो इंडिया में 1,50,000 से लेकर 3 लाख पर एनम तक का पे स्केल एक फ्रेशर का होता है। या अगर आप पीजी डिप्लोमा है, कोई मास्टर डिग्री, बीटेक या एमटेक होल्डर हैं और फिर आप एक एथिकल हैकर हैं तो फिर आपका, और साथ ही साथ आपका 7 या 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो फिर जॉब स्किल्स जो बढ़ जाता है 17 लाख से लेकर 25 लाख पर एनम तक हो सकता है। और अगर हम बाहर बात करें तो एक एवरेज सैलरी 56,000
से लेकर 82,000 एनुअल जाता है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 60,000, 5 to 9 एक्सपीरियंस है तो 71,000 डॉलर, और 10 ईयर से अधिक का एक्सपीरियंस 91,000 डॉलर अप्रॉक्सीमेटली एक पे स्केल होता है। एक्चुअली पे स्केल डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपके नॉलेज पर, आपकी पॉपुलरिटी पर, और इस बात पर कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने नॉलेज पर और अपने जो भी आपने गेन किया, जो भी आपने सीखा है उस उन सारी चीज़ों पर। तो दोस्तों, ये था एक कंप्यूटर करियर गाइडलाइन का ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो भी यूज़र्स अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पिंटरेस्ट टेस्टर के रूप में, और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं कि बेहतर नोट्स हों, बेहतर टूल्स हों, अपना खुद का एक लैब क्रिएट कर सकें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से सीखना चाहते हैं, तो ऑर्डर कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग किट को millionhirkhan@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए और सीखते रहिए। एथिकल हैकिंग इन हिंदी।